कोरोना लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही के उद्देश्य आज 30 अप्रैल को तहसीलदार अजीत शेलार, मुख्य अधिकारी गणेश पांडे, थानेदार एसएम जाधव ने अपने दलबल के साथ अत्यावश्यक सेवा दुकानों पर हो रही भीड़ को तितर बितर करने और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया। लेकिन इस तरह की आज की कार्यवाही से छोटे व्यापारियों और कुछ नगर पर सेवकों ने अपनी नाराजगी भी जताई। अचानक से इस कार्यवाही के चलते फुटपाथ पर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों में खलबली मच गई और अपने सामान को बचाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार अत्यावश्यक सेवा के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का समय व्यापारियों को दिया गया, लेकिन भीड़ ना हो इसका ध्यान रखते हुए को भी कहा गया। लेकिन रिसोर्ट शहर के अम्बेडकर चौक, सिविल लाइन और लोनी फाटा मार्ग पर फल सब्जी और अन्य छोटे व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। हालांकि प्रशासन के आदेश के अनुसार इन व्यापारियों को एक जगह खड़े रहकर व्यापार करने को मना किया गया था। शहर में घूम फिर कर व्यापार करने के लिए छूट भी दी गई थी, लेकिन आए दिन इन मुख्य रास्तों पर इन दुकानों के लगने से भीड़ बढ़ जाती है।